स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू। कल मैं आप लोगों का हिंदी का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रही थी, क्या भाषा, और इसी भाषा का आज दूसरा भाग पढ़ा रही हूँ जो आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। कल भाषा के बारे में मैं समझाई थी, भाषा क्या है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के भाव को कैसे प्रकट करते हैं, किस तरह से भाषा के द्वारा हम दूसरे को समझा पाते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, ये सब कुछ मैं कल आपकी क्लास में समझाई थी। आज उससे आगे हिंदी के बारे में मैं बताई थी, जो भाषा हमारे देश में हिंदी जो है वो किस रूप में है। तो कल राजभाषा के रूप में हमारे हिंदी को सम्मान दिया गया है, कहाँ, तो संविधानिक रूप से राजभाषा का। तो जो राजभाषा के बारे में कल की क्लास में भी बताई, राजभाषा किसे कहा जाता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है यानी कि सरकारी कार्यालय में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो वो आज हम आपको लिख करके समझा रही हूँ, हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत तो राजभाषा मिला। तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं यानी कि आर्टिकल होते हैं, वो लगभग 395 के लगभग में है। उसमें हर आर्टिकल में अलग अलग रूप से हर चीज़ की मान्यता के बारे में दिया गया है। तो संविधानिक रूप से भाषा को जो दर्जा दिया गया है वो हमारा अनुच्छेद कौन सा था, 343 में अनुच्छेद के अंतर्गत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो बार बार समझाती हूँ, राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान में रखना है। तो ये कब मिला, किस दिन मिला, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो किस दिन मिला, किस दिन का अर्थ है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को इसे दिया गया। और वर्ष जो था वो 1949, क्योंकि 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, और वो 50 में जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ, जनवरी में ही हो गया था। तो उससे पहले हमें भाषा की बात आई थी, तो पूर्ण रूप से हमें चुनना था जो हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होना चाहिए, राजभाषा जो है वो क्या होना चाहिए, जिसमें पूर्ण रूप से सरकारी कार्य किया जा सके। तो वो 14 सितंबर को निर्णय ले लिया गया था, 14 सितंबर 1949 को, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा गया। चूँकि हमारा देश जो है वो किससे आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से, तो हमारे देश में अंग्रेजी बखूबी बढ़ चुकी थी, तो पूर्ण रूप से अगर हम हिंदी को ही रख देते तो लोगों को समझने में कठिनाई होती, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों के साथ हम सरकारी कामकाजों में भाषा का प्रयोग करते हैं देश में। ऐसे हमारे देश में जितने राज्य हैं उस राज्य में राज्य के भी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी जो है पूर्ण रूप से 9 राज्यों में बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी भी जाती है। हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी पूर्ण रूप से बोली जाती है, एक उसमें से केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली भी शामिल है। अब बात आई, तो ये सब तो हम आपको समझा दिए, जब कब भाषा का दर्जा मिला, हिंदी को कैसे मिला। तो भाषा का जो दर्जा दिया जाता है या किसी भी भाषा को जब संवैधानिक रूप से संविधान में सम्मान दिया जाता है तो वो सम्मान कैसे दिया जाता है, और उसका भी एक आर्टिकल बना होना चाहिए, सूची बनना चाहिए, तो वो हमारा है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अभी 22 भाषा है, आप लोगों को क्लास में भी समझा चुके हैं, जो हमारे संविधान द्वारा अगर पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त भाषा है तो वो कितने हैं, 22। तो 22 भाषा है, लेकिन ये शुरू से 22 भाषाएं नहीं थी, शुरू में मात्र व मात्र कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। अब शुरू में 14 भाषाएं थी तो बढ़ता है कैसे, आप कहिएगा मैम ये भाषा जो है संविधान में कैसे बढ़ाया जाता है, तो जब लोगों में उस भाषा की अधिक से अधिक बोलने की समस्या आती है, लोग उसको पसंद करते हैं, जो चाहते हैं जो हम उसमें अच्छे ढंग से आगे कुछ लेखनी भी कर पाएँ, लोगों में जागरूकता बढ़ जाता है, तो उसका प्रस्ताव रखा जाता है सरकार के नज़दीक, और उसके लिए बहुत लोग लड़ाई भी लड़ते हैं जो हमारी भाषा को संवैधानिक रूप से दर्जा मिलना चाहिए। तो इस तरह से तब क्या किया जाता है, उसको संशोधन किया जाता है, संविधान में हमेशा संशोधन होते हुए आया है और होता ही है, तो संशोधन किया जाता है। तो उसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया, फिर से संशोधन किया गया। शुरू में तो 14 भाषा थी, लेकिन जब संशोधन किया गया तो 21वां संशोधन उसको कहलाया, ये 21वां संशोधन भाषा के लिए किया गया।
तो उसमें ये इस वर्ष क्या था, 1976 है ना, तो 1967 ईस्वी में तो सिंधी को मिला, शामिल किया गया सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा जो शुरुआती दौर में भी थी, ये भाषा शुरुआती दौर में भी ये भाषा थी, लेकिन इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। तो बाद में एक बस 21वां संशोधन में मात्र व मात्र सिंधी को शामिल किया गया, एक ही भाषा। तो 14 थी तो फिर वो हो गई 15, सिंधी को शामिल किया गया, यानी कि 15वां भाषा हमारा क्या हो गया, सिंधी। अब उसके बाद जो है फिर सभी लोगों के मन में पहाड़ी भाषाओं में ये, जैसे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सब जो है अलग अलग बाद में शामिल किया गया है। कोंकणी हमारी पहाड़ी भाषा है, कोंकणी हमारी पहाड़ी भाषा है, मणिपुर जो मणिपुर की भाषा है ना, तो इसको भी लोगों में जागरूकता बढ़ी, मणिपुर में लोग रहने लगे, वहाँ भाषा को समझने लगे, तो उन्हें अब हिंदी को ही हमेशा ढूंढना कुछ खास नहीं लग रहा था, तो उन लोगों ने भी अपनी भाषा के लिए आगे लड़ाई जारी किया। तो फिर 71वां संशोधन संविधान में किया गया, जो वर्ष कौन सा था, ईस्वी कौन सा था, 1992 यानी कि 1992 है ना, 1992। तो इसमें आप कितनी भाषा को दर्जा फिर दिया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है ना, तो ये 15 तो थी ही, 15 और 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन मिलाकर के 15 भाषा 18 हो गए, 18 भाषाओं का कुल ये हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे बिहार की ही भाषा ले लीजिए, एक मैथिली, मैथिली में बहुत सारी रचना हुई है, विद्यापति को तो मैथिल कोकिल ही कहा जाता है, विद्यापति के समय से ही मैथिली की जागरूकता बढ़ी थी, लेकिन उसे एक बोली का दर्जा दिया गया था, वो बोली के रूप यानी हिंदी की ही बोली के रूप में हुआ था। तो बार बार उस पर क्या किया गया, लोगों का जागरूकता बढ़ा, नहीं इतनी रचना हो चुकी है, लोग अधिक से अधिक, बिहार में ही मैथिली क्षेत्र है जो जनकपुर के तरफ, दरभंगा के उस तरफ बहुत लोग अच्छे से मैथिली बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। तो होते होते फिर मैथिली को, डोगरी को, ये भी पहाड़ी भाषा है, बोडो ये भी पहाड़ी भाषा है जो उत्तराखंड के तरफ बोली जाती है ना, संथाली आपके बगल में ही, हमारे बिहार के बगल में ही झारखंड है जहाँ पर संथाली बोली जाती है, हिंदी भी वहाँ बोली जाती है, लेकिन वहाँ कुछ पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं जो संथाली बोलते हैं। तो ये टोटल आपको 15 हो चुकी थी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को क्या मां 92 यानी कि 92वां संशोधन किया गया, जो वर्ष ईस्वी 2003 में किया गया था है ना, 3 में किया गया, तब जाकर के ये टोटल आपको 22 भाषा हो गई, 15 थी ही और उसके बाद ये 22 92 यानी कि 92वां संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ, जिसमें चार भाषा को फिर से इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो चार भाषा को शामिल किया गया जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषाएं थी। तो मैथिली जैसे कि बिहार की हमारी पहले बोली थी, फिर बाद में उसे भाषा का सम्मान दिया गया। मैथिली में बहुत सारी रचना भी हो चुकी है, मैथिली में मैथिल कोकिल तो विद्यापति को कहा ही जाता है, जो कि भक्ति काल से ही बहुत ही अच्छे कवि थे मैथिली के। इसमें वो मैथिली भाषा में जो है विद्यापति पदावली बहुत बड़ी रचना किए हुए हैं। संथाली जो हमारे झारखंड हमारा बिहार के बगल में ही राज्य है, यहाँ के कुछ आदिवासी क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो संथाली बोलते हैं, ठीक है। तो संथाली को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। तो अब जो अभी हमारे मान्यता प्राप्त कितने भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं, तो वो है 22। तो अभी 22 भाषाएं हैं कुल हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त। तो अगर आप लोगों के बीच कभी भी कोई प्रश्न आए जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वो है 22 अभी तक। हो सकता है जैसे कि भोजपुरी के लिए लड़ाई हो रही है, भोजपुरी का आप देख रहे हैं फिल्मों में, नाटकों में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, गानों संगीत के लिए, तो भोजपुरी को भी कहीं शामिल किया जाए तो फिर वो संशोधन किया जाएगा। जैसे कि 3 बार अगर बीच में कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, प्रश्न पूछ दिया जाए जो हाँ किस संशोधन के अंतर्गत, कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है किस संशोधन के अंतर्गत मैथिली को शामिल किया गया,
तो वो हमको ध्यान में रखना है 92 यानी कि 92वां संशोधन के अंतर्गत। कब, कभी कभी ईस्वी ही पूछा जाता है, कब मैथिली को शामिल किया गया, कब संथाली को शामिल किया गया, तो वो है 2003 में। चूँकि 2000 में तो हमारा राज्य झारखंड बना ही था, 2000 में जब राज्य झारखंड बना है तो स्वाभाविक है 2003 बनने के बाद ही ना वहाँ की भाषा को मान्यता दिया जाएगा। संथाली खास करके हम आपको बार बार बता रहे हैं, वो झारखंड प्रदेश की ही भाषा है, झारखंड में ही अधिक से अधिक बोली जाती है, और वो भी पूरे झारखंड में नहीं, पूरे झारखंड में जो है हिंदी भी बोली जाती है और भी कुछ भाषाएँ हैं जो उसमें बोली जाती है, लेकिन संथाली भी बोली जाती है। वहाँ के कौन से आदिवासी लोग जो हैं वो संथाली का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब 22 भाषा में, तो अब अगर भोजपुरी को शामिल कर दिया जाएगा तो इसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत और आगे के संशोधन के अंतर्गत क्या होगा, एक भोजपुरी को भी शामिल कर दिया जाएगा, तो इसकी संख्या बढ़ भी जाएगी, 22 के बाद वो 23 हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो ये 22 है तो हमेशा के लिए 22 ही रहेगी। अब कल भी हम आप लोगों को बताए थे हिंदी, अब हिंदी पूरे देश में, अभी तो हम 22 भाषा के बारे में बता दिए आपको, लेकिन हिंदी जो है वो पूरे देश में अभी भी सबसे अधिक बोली जाती है और सबसे अधिक समझी जाती है, जिसका परसेंटेज कल भी हम आपको बताए थे और आज फिर से बता दे रहे हैं, 43.63% लोग जो है ये किसके 2011 के जनगणना के अनुसार बोलते हैं, अभी पूरे देश में, ऐसा नहीं जो सिर्फ बिहार में, और राज्य भी हम आपको बताए हैं 9 राज्य हैं जहाँ से पूर्ण रूप से अभी हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। अब 22 भाषा का 8वीं अनुसूची के संविधान में आपको बता दिए जो 22 भाषा है, 43% लोग क्या करते हैं, 43.63% लोग अभी हिंदी बोलते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं मैथ की दृष्टि से, आप लोग जैसे पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 44% माना जाएगा, है कि नहीं। तो हिंदी ऐसा नहीं है जो अभी भी हमारा पीछे है। अब 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है जो 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अब ये बोलने की संख्या जो है, फिर हमारा क्या होगा जनगणना 2021 में, तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है और फिर कम भी सकती है, हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा 10 वर्षों पर जनगणना होती है तो हर कुछ की संख्या बढ़ती है और घटती है, तो ये बढ़ भी सकती है और कम भी सकती है। लेकिन जैसा मेरा मानना है 2001 में ये 41% थी, लेकिन 2011 के अनुसार ये क्या है 43% है, तो अब इसकी संख्या उस तरह से क्या होगी, आगे बढ़ेगी ही। अब हम आपको लिखे हैं तो कुल भाषा, तो बता देते हैं कैसे कैसे कहां कहां बोली जाती है हिंदी, जो पूरे देश के लिए सबसे अधिक समझे जाने वाली बोली जाने वाली भाषा है, 9 राज्य में भी बोली जाती है जो आपको बता चुके हैं। अब दूसरा है असमिया, जो क्या कहाँ, असमिया भाषा जो असम की तरफ की बोली है भाषा है ये। उसके बाद क्या है बांग्ला, जो बांग्ला प्रांत में है। तो अब एक और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप नहीं याद रख पाइएगा तो नोट कर लीजिएगा, हिंदी के बाद अगर भारत में दूसरा कोई स्थान है बोलने का तो वो बांग्ला का है। अगर कोई पूछे आपसे जो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है तो सेकेंड स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो है बांग्ला, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कन्नड़ ये कहाँ कर्नाटका में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में जम्मू कश्मीर की भाषा है, वहाँ पर लद्दाख है वहाँ पर भी कुछ कुछ कश्मीरी बोली जाती है। मलयालम ये कहाँ की भाषा है, ये केरल की भाषा है, ठीक है। मराठी जो महाराष्ट्र की है, उड़िया उड़ीसा की है, पंजाबी पंजाब की है, संस्कृत जो हमारी देवों की वाणी थी, संस्कृत पूरी भाषा की जननी भी मानी जाती है, संपूर्ण भाषा की भारतीय भाषा की जननी संस्कृत ही मानी जाती है, हिंदी के तो आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, ठीक है। ये तो देवों की भाषा थी लेकिन आज इसका पतन हो चुका है, मात्र व मात्र पूरे देश में अगर संस्कृत जानने वाले लोग हैं तो वो है संस्कृत जानने वाले कितने हैं, तो मात्र व मात्र अब 0.01% लोग, बस इतना ही। तो जिस तरह से संस्कृत का पतन हुआ है तो हमको तो लगता है अगर हिंदी के लिए हम लोग अगर नहीं कार्य करते हैं तो हिंदी भी कहीं हमारी पीछे ना चली जाए। तो संस्कृत, तमिल जो तमिलनाडु की भाषा है, ठीक है,
संस्कृत जिसका क्या है हमारे पूरे देश में 0.01 मतलब 1% लोग हमको लगता है जो संस्कृत सिर्फ बोलते हैं। पतन हो गया है संस्कृत का, जो हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो भाषा होती है वो हमारे संस्कृति से हमें जोड़ती है कि नहीं। जैसे हमारी हिंदी हो, हमारी संस्कृत हो, क्या है, हमारी संस्कृति से जुड़ती है। आज बच्चों में जो संस्कृति का प्रभाव पड़ा है वो भाषा से दूरी होने के कारण ही, जो आप लोग को क्लास में भी हम बार बार बताते हैं और आज भी बता रहे हैं। अब है तमिल, जो तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु जो तेलंगाना की भाषा है, क्या है वो, तेलंगाना की। उर्दू जो है ये बहुत पहले से हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के समय, उससे पहले मुगल साम्राज्य के समय से ही उर्दू का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। तो उर्दू को मुगल साम्राज्य के समय जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में भी प्रयोग किया जा रहा था। तो उर्दू का कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई क्षेत्र नहीं है। तो ये थी आपकी कुल 2200 भाषा की बारे में हम आपको समझाएं, जो वो कहाँ कहाँ बोली जाती है और कहाँ कहाँ अच्छे से समझी जाती है, लिखी जाती है। और हिंदी के बारे में भी हम आपको बता दिए, जो हाँ हिंदी कैसे हमारे देश में आगे बढ़ रहा है और हमें ही उसे क्या करना है और आगे की ओर बढ़ाना है। तो कुल 2200 भाषा के बारे में आप लोग समझ लिए। इस तरह से आपका भाषा का कल भी क्लास लिए थे और आज लिए थे, तो दोनों मिलाकर के आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से समाप्त हो गया। थैंक यू।